आप डाउन साइड नहीं देख सकते तो अपसाइड कैसे देखेंगे? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, बाजार बहुत ही वोलेटाइल हो रखा है। यूएस के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। अभी आईटी सेक्टर उससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है यूएस डॉलर की वजह से। अब अपने ये क्या और डाउनसाइड लग रही है या अपने को बॉटम फिशिंग चालू कर देने चाहिए, इसके ऊपर पूरी डिटेल लेते हैं। ये जो माहौल हो रखा है उसमें लोगों को लग रहा है कि हो सकता है यूएस और यूरोप दोनों ही रिसेशन में जा सकते हैं, इसलिए एक बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, डर के माहौल में जो आदमी हिम्मत दिखाता है, जो उसी की बहुत बड़ी कीमत उसको मिलती है। क्योंकि वॉरेन साफी बोलते हैं, जब सब कोई एकदम भय के अंदर रहे तब आपको ग्रीडी बनना चाहिए, और जब सब कोई ग्रीडी बने हो तब आपको फियरफुल रहेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त कमाई हो सकती है। आज की दुनिया और आने वाला कल दोनों ही बिना सॉफ्टवेयर के रह नहीं सकता, इसलिए एक ऐसा सेक्टर है आईटी जहां पर आपको उसके साथ बने ही रहना पड़ेगा। हो सकता है 2-4 महीना वोलेटाइल रहेगा, लेकिन जो इस फियरफुल माहौल में रुपया लगाएगा वही बड़ी कमाई कर पाएगा। लेकिन ऐसे माहौल में कभी भी इधर उधर की कंपनियां नहीं लेके टॉप क्वालिटी स्टॉक ही लेंगे, और जब टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर की कंपनियों का नाम आता है तो पहला नाम जो आता है वो है TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपया है, फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टेड हाउस ऑफ टाटा। ये कंपनी अभी अपने को लेस देन 3000 रुपीज के ऊपर मिल रही है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा 22 फरवरी 2022 को इसका बाईबैक आया था, वो भी 4500 रुपए के अंदर। तो यहीं पे गैप आपको 50% का मिल रहा है, और नेक्स्ट बाईबैक जब आएगा तो मोर देन 5000 पर ही आना चाहिए। लास्ट ईयर उन्होंने डिविडेंड 44 रुपीज पर शेयर का दिया था। बोनस भी इसमें ड्यू है। लास्ट बोनस उन्होंने 2018 में दिया था। अगर आप समझ लीजिए 2023 में आइदर बोनस आएगा, नहीं तो एक बहुत अच्छा प्राइस पे बाईबैक आएगा। इस कंपनी का रेवेन्यू सालाना 2 लाख करोड़ रुपया है, और अर्निंग नेट प्रॉफिट 38,000 करोड़ रुपया जो कंपनी कमाती है उसका क्या कहने। आपको जान के आश्चर्य होगा, इक्विटी सिर्फ 366 करोड़ रुपया है और रिजर्व 98,000 करोड़ रुपया है। प्रमोटर की होल्डिंग 73% है, और म्यूचुअल फंड और FFI होल्ड करते हैं 22%, यानी पब्लिक में लेस देन 5% का होल्डिंग है, और उसके अंदर भी आपका मोर देन 90% यानी 4% के ऊपर होल्डिंग HNI कस्टमर होल्ड करते हैं। रिटेल के अंदर तो लेस देन 1% है। काम का कोई अभाव नहीं है दोस्तों। अभी 21 सितंबर को ही उनको ज्यूरिश इंश्योरेंस को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला। दूसरी कंपनी है इंफोसिस, दोस्तों अभी सिर्फ 1360 रुपया पर शेयर में अवेलेबल है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 6 लाख करोड़ रुपया है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपया है, इसलिए इसके अंदर स्कोप है वापिस से आगे स्प्लिट होने का। दूसरा, इन्होंने बोनस भी लास्ट 2018 में दिया था, तो 2023 में आइदर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा, नहीं तो बाईबैक आएगा, और नहीं तो स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। कंपनी का रेवेन्यू 1,25,000 करोड़ रुपया है और नेट प्रॉफिट 22,000 करोड़ रुपया पर ईयर का है। इक्विटी कैपिटल सिर्फ 2100 करोड़ रुपया की है, लेकिन रिजर्व 78,000 करोड़ रुपया का है। दोस्तों, कंपनी रिवार्ड भी करती है शेयर होल्डर को, 31 रुपीज पर शेयर का उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। इक्विटी होल्डिंग बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। प्रमोटर का 13% है। F2 और म्यूचुअल फंड अराउंड 50% का होल्डिंग करते हैं। रिमेनिंग पब्लिक के अंदर है, वो भी ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज है या बड़े बिग HNI है, पी फंड है, उनके पास होल्डिंग है। मैनेजमेंट जो है अभी प्रोफेशनली मैनेज ये कंपनी है। तीसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी।
दोस्तों अभी अपने को लेस देन 900 रुपीस के ऊपर मिल रही है, एक बहुत ही चार्मिंग प्राइस है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपया है और रेवेन्यू 85,000 करोड़ का है। इक्विटी बहुत ही छोटी है, सिर्फ 543 करोड़ की है, लेकिन रिजर्व 65,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 13,500 करोड़ रुपया से ऊपर का है पर साल। बोनस लास्ट 2019 में दिया था, अभी फेस वैल्यू 2 रुपया पर शेयर का है, तो अपने अगले साल के अंदर आइदर बाईबैक हो चाहे स्टॉक स्प्लिट हो चाहे बोनस भी आ सकता है। अपने प्रमोटर की भी एकदम रॉक सॉलिड 61% होल्डिंग है। अपने म्यूचुअल फंड और FFI जो है उन लोग 34% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं। जनरल पब्लिक के अंदर लेस देन 5% की होल्डिंग है। इससे भी इसकी स्ट्रॉन्गनेस अपने को जाहिर होती है, उसमें भी मैक्सिमम जो HNIs है उन लोग होल्ड करते हैं। इस कंपनी की और एक जो सबसे अच्छी बात है वो है डिविडेंड पे आउट। दोस्तों लास्ट ईयर इन्होंने 48 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया था, आज के दिन वो डिविडेंड यील्ड अराउंड 5% की आ रही है। ऐसा शेयर कहाँ मिलेगा जहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड 5% की आ रही है और सोलिडिटी भी है, डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। लास्ट 10 ईयर में 529% का रिटर्न दिया है, डिविडेंड जो पे आउट हुआ है उसकी रिटर्न मैंने जोड़ी नहीं है। दोस्तों ये तीन कंपनियां जो कि सबसे लार्जेस्ट कंपनियां हैं, सबसे रॉक सॉलिड कंपनियां हैं, जिनकी बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी इस निश्चितता के माहौल में ऐसी ही कंपनियां खरीद के अपने पोर्टफोलियो में जोड़नी चाहिए। दोस्तों मत रहो मत रहो और बॉटम फिशिंग जरूर कर। My side.